हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप फार्मूला और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 को आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। और क्वेश्चन नंबर 14 में एक हिंट दिए थे कि ये आपका स्टोक्स लॉ पे बेस्ड फार्मूले पे ये क्वेश्चन है। तो स्टोक्स लॉ का एक बार किसी टेक्स्ट बुक में देख लीजिए किस प्रकार उसका डेरिवेशन है। उस डेरिवेशन में कई स्टेप को सिंप्लीफाई करते हुए जो है एक फार्मूला लाया गया है। आप इन सभी वेरिएबल को देखिए, जो क्वेश्चन में गिवन वेरिएबल है उस वेरिएबल के हिसाब से आप फार्मूला को देखिए कि कौन सा फार्मूला जो है इस क्वेश्चन पे फिट होगा। तो एक बार उसको आप एक बार फिर से जो है 2 मिनट का टाइम लीजिए और कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। 2 लाइन का क्वेश्चन है मात्र, आपको अगर फार्मूला याद है तो आप 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। जिन लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है, वेरी गुड। जिनको अभी भी सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो अभी हम डिटेल प्रोसीजर आपको बताएंगे। पहले बार आप खुद से ट्राई करिए। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को आप बहुत ही अटेंटिव होकर उसको जो है आप पहले स्टडी करिए, उसको पढ़िए कि क्वेश्चन एक्चुअली में क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और क्वेश्चन में गिवन क्या है। पहले आप डेटा को देखिए, डेटा कौन कौन से गिवन है। डेटा अगर आपको पता चल गया तो अगर फार्मूला आपको याद है तो आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेर टेकन ड्यूरिंग ए पाइपेट एनालिसिस। तो देखिए, पाइपेट एनालिसिस कर रहे हैं ये जो आपको जो भी क्वेश्चन बनाया गया है ये टेस्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो पाइपेट एनालिसिस का टेस्ट चल रहा था। ठीक है, और आप पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के सैंपल का निकाल रहे थे। ठीक है, और उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन नोट किया गया। अब ऑब्जर्वेशन देखिए क्या कह रहा है, डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस एट विच द सैंपल वाज टेकन 100 mm। नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ पाइपेट 10 mm, मास ऑफ सैंपल व्हेन ड्राइड 0.3 ग्राम, टाइम ऑफ टेकिंग सैंपल 7 मिनट आफ्टर द स्टार्ट। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन इन द सेडिमेंटेशन ट्यूब 500 ml, ड्राई मास ऑफ सॉइल यूज्ड इन मेकिंग सस्पेंशन 25 ग्राम, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर करस्पोंडिंग टू अबव ऑब्जर्वेशन। जिसमें आपको दिया हुआ है कैपिटल जी स्पेसिफिक ग्रेविटी के वैल्यू 2.7, ईटा के वैल्यू 10.09 मिलीपॉइज और रो डब्ल्यू की वैल्यू 1 ग्राम पर ml। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला देखिए क्या है इसका, फॉर्मूला आपका है कैपिटल डी इक्वल टू अंडर रूट 0.3 ईटा एच ई अपान स्मॉल जी कैपिटल जी माइनस 1 रो डब्ल्यू इंटू स्मॉल टी
फॉर डब्ल्यू इंटू स्मॉल टी, स्मॉल टी। चलिए आपको फार्मूला भी दे दिया गया है, आप इस फार्मूले में इन सभी वेरिएबल को पुट करिए। अब देखिए ये जो ऑब्जर्वेशन गिवन है ऊपर, अब कौन कौन से पॉइंट्स आप इसको एक बार खुद से कोशिश करिए, ठीक है। अब ये जो ए से एफ तक के जो वेरिएबल गिवन है ऑब्जर्वेशन जैसे कह रहे हैं, आप इसको इस फार्मूले पुट करने की कोशिश करिए, पुट करके आप आंसर लाइए। एक मिनट क्वेश्चन है, आप इसको कोशिश करिए, सबसे कोशिश करिए इसको। फार्मूला आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, आप इस पर ट्राई करिए कि किस प्रकार जो है आपका आंसर आएगा, कोशिश करिए। फिर से एक बार सुन लीजिए क्या है ये, कैपिटल डी इज इक्वल टू अंडर रूट 0.3 ईटा, ये ईटा है, इंटू एच ई अपॉन स्मॉल जी ब्रैकेट में जी माइनस वन ब्रैकेट क्लोज रो डब्ल्यू इंटू स्मॉल टी। चलिए अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इस क्वेश्चन में बताइए ईटा की वैल्यू कितनी है, जो क्वेश्चन से ध्यान से पढ़ा होगा उसके लिए तो बढ़िया है, ईटा सामने दिख रहा है। जो क्वेश्चन को लाइटली पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, उनको ईटा का भी दिखेगा नहीं। 10.09 इंटू एच ई क्या होगा, एच ई देखिए एच ई आपका कैपेसिटी ऑफ पाइपेट, यानी आप यहाँ पे 10 पुट करेंगे, स्मॉल जी 9.81 है, ठीक है। तो यूनिट का ध्यान दीजिएगा, आपका सारा वैल्यू ग्राम में पूछा जा रहा है, ग्राम पर एमएल में, तो आप जो है 9.81 पुट नहीं करेंगे, ठीक है, आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9.81 इंटू कैपिटल जी के वैल्यू क्या है 2.7 माइनस 1, तो यूनिट का जो है इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, अगर आप यूनिट मिस कर देंगे आंसर आपका टाइम शोर है कि रॉन्ग आएगा। टेंथ पर इसको भी आप जो है मिली पॉइज है ना, इसको भी कन्वर्ट करिए, इस पर जो है इसको -3 कर दीजिए इंटू 10 आपका ये, हाँ ठीक, चलिए इनटू आपका स्मॉल टी की वैल्यू कितना है 7, तो कैपिटल डी आपका कितना आया, सॉल्व करिए, कैपिटल डी की वैल्यू आ गया आपका, कैपिटल डी इक्वल टू 0.00161 सेंटीमीटर, ठीक है। कोऑर्डिनेट में पूछ रहा है तो एन इक्वल टू कैपिटल एन इक्वल टू एम डी अपॉन एम एस इंटू 100, इक्वल टू 0.3, देखिए 0.3 गिवन होगा, 0.3 अपॉन 10 अपॉन 25 अपॉन 500 इंटू 100,
ठीक है, तो आपकी कैपिटल एन की वैल्यू आ गया 60%। एक मिनट, आप यहाँ पे लिख दीजिए एन इजिकल टू 60%। तो आपका जो है यहाँ पे आंसर आ चुका है, कोऑर्डिनेट आपको जो है पता चल गया होगा इसमें। तो लिखिए इसमें, इसमें आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब एक पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आर 0.0161 mm एंड 60%। ठीक है, सेंटीमीटर को एमएम में कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सेल्फ से ट्राई करिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हो चुका है, ठीक है, तो फिर से ट्राई करिए आप। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है द यूनिट वेट ऑफ ए सैंड बैकफिल वाज डिटरमाइंड बाय फील्ड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट वेट जो है ऑफ सैंड फिल वाज डिटरमाइंड बाय फील्ड मेजरमेंट टू दी 1746 केजी पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, कोई बात नहीं। दी वाटर कंटेंट एट टाइम ऑफ टेस्ट वॉज 8.6% वाटर कंटेंट, 8.6% एंड यूनिट वेट ऑफ सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट वॉज 2.6 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, इन द लेबोरेटरी द वॉइड रेशियो ऑफ सॉरी वॉइड रेशियो इन दी लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट स्टेट वे आर फाउंड टू बी 0.642 एंड 0.642 एंड 0.462 रेस्पेक्टिवली। वट वॉज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द फिल्म, रिलेटिव डेंसिटी पूछ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे लास्ट टर्म पढ़िए, लास्ट वाला टर्म पढ़िए, इन दी लेबोरेटरी द वॉइड रेशियो इन दी लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट स्टेट। तो वॉइड रेशियो दिया है ई मैक्स ई मीन, ठीक है, ई मैक्स की वैल्यू कितना है आपकी, ई मैक्स इक्वल टू 0.642 एंड ई मीन कितना है, मीन इक्वल टू 0.462। ठीक, आपके पास क्या है, और ये यूनिट वेट देखिए, यूनिट वेट गिवन है, तो यूनिट वेट इक्वल टू आपका कितना है 1746 केजी पर क्यूबिक मीटर। तो आप इसको यूनिट को चेंज कर ले ग्राम पर, देखो क्योंकि यहाँ पे ये सब वैल्यू ग्राम में गिवन है, तो आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, ये सही रहेगा। ठीक है, केजी है, केजी पर क्यूबिक मीटर को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1.746 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, वाटर कंटेंट कितना गया गिवन है आपका 8.6, वाटर कंटेंट आपका 8.6% गिवन है, और इसको अगर पॉइंट में कन्वर्ट कर लें तो 0.08
6, वाटर कंटेंट कैपिटल जी की वैल्यू गिवन है, कैपिटल जी की वैल्यू कितना है आपका, कैपिटल जी की वैल्यू गिवन नहीं है, कि गिवन है यूनिट यूनिट वेट इज अ सॉलिड कंस्टिट्यूएंट। चलिए कैपिटल जी की वैल्यू आप लिख लीजिए 2.6, तो वाटर कंटेंट आपके हो गया एंड यूनिट वेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट 2.6 ग्राम, तो यूनिट वेट ये हो गया आपका और एक और ये यूनिट वेट है, ठीक है, तो गामा डी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कैपिटल जी आपका जो है इसको आप ले सकते हैं इतना 2.6। चलिए इस पॉइंट को नोट कर लीजिए और इरेज करते हैं इसको, या फिर देखें ब्लैंक पेज है, ठीक है ब्लैंक है। तो अब जो है गामा डी निकाल लीजिए, इससे जो है गामा डी कैलकुलेट करिए, गामा डी इज इक्वल टू यूनिट वेट अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट, तो आपका गामा की वैल्यू कितना आया है 1.746। वन पॉइंट वाटर कंटेंट कितना है 0.086, 0.086, ठीक है। कैलकुलेट करिए आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.607 ग्राम पर सीसी, ठीक है। चलिए गामा डी की वैल्यू आ गया, गामा डी की वैल्यू 1.606, ठीक है। अब आप इससे जो है वॉइड रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए स्मॉल ई, आपके पास ई मैक्स और ई मीन है, इससे तो काम चलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आईडी के फार्मूला यानी रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है अगर आप जानते होंगे, मेमोराइज करिए, इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि ई मैक्स माइनस ई अपान ई मैक्स मैनी मैक्स माइनस ई मीन इंटू 100, तो ई की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। फार्मूला एक बार फिर से हम लिख दे रहे हैं, इसमें इरेज कर रहे हैं पूरा, तो हमारा रिलेटिव डेंसिटी आई डी इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई अपान ई मैक्स माइनस ई मीन इंटू 100, ठीक है। ई मैक्स ई मीन हमारे पास है, अब स्मॉल ई को हमको बस जो है सिंपल कैलकुलेट करना है, तो गामा डी की वैल्यू आपका आ चुका है 1.607 ग्राम पर सीसी आया है, ठीक है। तो गामा डी से ही जो है आप स्मॉल ई की यानी वॉइड रेशियो की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, जैसे कि गामा डी का एक और फार्मूला है, गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई, ठीक। तो जी की वैल्यू आप लो जो है कितना एज्यूम किया आपने, जी की वैल्यू आपने 2.6 लिया, एक मिनट कहाँ आ गया, गामा डी की वैल्यू कितना है था 1.607 इक्वल टू कैपिटल जी 2.6 इंटू गामा डब्ल्यू 1 प्लस स्मॉल ई, तो स्मॉल ई की वैल्यू कितना आएगा कैलकुलेट करिए तुरंत, जी आपका स्मॉल ई की वैल्यू आएगी 0.617, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस वैल्यू को नोट डाउन करिए। चलिए पूरा जो है इरेज करते हैं, अब जो आईडी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, आईडी की वैल्यू
आई डी की वैल्यू कितना है, रिलेटिव डेंसिटी आई डी इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मीन इंटू 100। तो ई मैक्स की वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है, ई मैक्स की वैल्यू देखिए 0.642 माइनस ई की वैल्यू कितना आया है 0.617 अपॉन 0.642 माइनस ई मीन 0.462 ई मीन 0.462 ओके सॉरी 0.462 × 100 कितना आया रिलेटिव डेंसिटी, कैलकुलेट करिए 13.89%। अब इसको कैलकुलेट करिए, देखिए इतना ही आ रहा है, 0.642 माइनस 0.617 0.025 ठीक है, आंसर सही है, कोई बात नहीं। आईडी की वैल्यू आपका कैलकुलेट हो चुका। तो फाइनली आपको रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करना था, ये आपका फाइंड आउट हो चुका है। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक बार देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत ही सिंपल है, छोटा क्वेश्चन है, आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, एक बार ट्राई करिए आप। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सभी वेरिएबल को एक बार जो है ध्यान से देखिए कि एक्चुअली में क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है आपको, एक बार देखिए ध्यान से। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार देख लीजिए आप, जिन लोगों का क्वेश्चन 16 सॉल्व हो गया, वेरी गुड। जिनको अभी भी डाउट है कोशिश करते हैं, देखिए अब तक जो है 16 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये सभी आपको इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। तो इस बार इसको एक बार ट्राई करिए, कोशिश करिए, इसमें हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो एक बार इसको आप अपने मन से ट्राई करिए। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है, एक मिनट। एक कोहेसिव सॉइल यील्ड ए मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ 1.8, ये ग्राम पर सीसी है, ग्राम पर सीसी, ठीक, ग्राम पर सीसी एट एन ओएमसी ऑफ 16% ड्यूरिंग स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। इफ द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज 2.65 स्पेसिफिक ग्रेविटी, व्हाट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इफ कैन फर्दर कॉम्पैक्टेड। देखिए एकदम रियल क्वेश्चन है ये, ठीक है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको एक बार ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अब इसको देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपके गिवन क्या है,
तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए रो डी की वैल्यू गिवन है 1.8 ग्राम पर सीसी, ठीक है। तो गिवन क्वेश्चन को देखिए एक मिनट, ठीक है, रो डी जो है आपके पास कितना गिवन है, 1.8 ग्राम पर सीसी, और क्या जो है आपके पास कैपिटल जी की वैल्यू गिवन है 2.65, ठीक है। इसके बाद जो है आपका वाटर कंटेंट गिवन है, वाटर कंटेंट गिवन है आपका 16%, ठीक है, जिसको आप 0.16 भी लिख सकते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट व्यू, ठीक है। अब पूछ रहा है आपसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए एक छोटा फॉर्मूला आप जानते होंगे, एस इज इक्वल टू डब्लू जी। जी हाँ, आपके पास यहाँ पे जी की वैल्यू है, डब्लू की वैल्यू है, ई की वैल्यू नहीं है, और एस कैलकुलेट करना है, ठीक है। ट्राई करिए, इस पर कोशिश करिए। देखिए अगर आपको गामा डी का फार्मूला अच्छे से याद हो, अगर गामा डी का फार्मूला अच्छे से अगर याद हो तो आप सैचुरेशन को जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा, सॉरी रो डी, चलिए रो डी के टर्न में है ना, तो रो डी का फॉर्मूला क्या है भाई, रो डी इज इक्वल टू जी रो डब्ल्यू अपॉन 1+ ई। चलिए अब इससे आप ई की वैल्यू निकाल लीजिए डायरेक्टली, ठीक है, या फिर थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लीजिए, इसी में ही कर लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि एस इजकल टू डब्ल्यू जी, ठीक है, और इजकल टू होता क्या है डब्ल्यू जी अपान एस। तो दो स्टेप में करने के बजाय आप ई के जगह, ठीक है, इसके जगह आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, तो डायरेक्टली आप यहीं पुट कर दीजिए, ये सही रहेगा, ठीक है। एक मिनट, ये आपका बेसिक फार्मूला है, अब इसको आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दीजिए। कैपिटल ई इक्वल टू क्या हो सकता है आपका डब्ल्यू जी अपान एस, ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए आप। जी चूंकि आप वैल्यू टेकन में अगर हम ध्यान दें तो रो डब्ल्यू की वैल्यू जो है आप ग्राम के टर्न में लेंगे, तो 1 ग्राम ले लीजिएगा, 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी कैलकुलेट करिए। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, रो डी की वैल्यू क्या होगा आपका, जी जी की वैल्यू कितना गिवन है, 2.65, टू पॉइंट सिक्स फाइव इंटू 1 अपॉन 1+ वाटर कंटेंट कितना है आपका, पॉइंट 1.6 इंटू 2.65 अपान सैचुरेशन ही आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, कोशिश करिए। कैलकुलेट करते हैं इसको, 2.65
इंटू 0.16, 0.424 यानी 1.424 इसका आंसर कितना आएगा? सैचुरेशन आपका 0.9 आएगा, सैचुरेशन इक्वल टू 0.9। गामा डी के वैल्यू आप पुट किए हैं ना, गामा डी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 1.8 ग्राम पर सीसी, इसको यहाँ पुट कर दीजिएगा 1.8, तो 0.9 आपका आएगा सैचुरेशन, जिसको हम 90% कह सकते हैं कि सैचुरेशन है। ठीक है, अब एक कंडीशन कह रहा है कि फर्दर कॉम्पैक्टेड, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ठीक है, अब कैपिटल सैचुरेशन अब मान लीजिए 100%, तो एस के वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इस प्रकार मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होगा एक बार चेक कर लीजिए। एक मिनट, माना एस इक्वल टू 1 100% सैचुरेशन पे, तो इस प्रकार जो है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होगा आपका? 0W/1+WG। ठीक, कैलकुलेट कर लीजिए, 2.65 × 1/1+WG 0.616 × 2.65। ठीक है, तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आपका कितना आया? 1.86, मतलब कि आपका जो ड्राई डेंसिटी गिवन था वो करेक्ट है। ठीक है, यहाँ से देखिए, अच्छा नहीं, ये तो 0.86 है और आपका मैक्सिमम जो ड्राई डेंसिटी है वो आपका 1.86 ग्राम पर सीसी फाइंड आउट हो गया। ठीक है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पूछ भी रहा था। चलिए, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब जो है कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके।